वेलकम फ्रेंड्स। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। लाइनें भले पुरानी हो, लेकिन इनको सुनने के बाद एक नया जुनून आता है ना। तो देखिए, आप देख रहे हैं कमजोर छात्र छात्राएं गणित कैसे सीखें, पर यह दूसरा सेशन। आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक के बारे में जिसमें हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था उससे संबंधित, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया पिछली क्लास को, काफ़ी लोगों ने लाइक किया और अपने विचारों को कमेंट्स किया, सबसे ज़्यादा व्यूज आए उस पर। तो हमने सोचा कि चलिए आपको एक सेशन में और कुछ बातें क्लियर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए आपको मैथ नहीं आती है, मान लीजिए अक्सर लोग होते हैं, है ना, तो वो ये बिल्कुल मत माने कि उन्हें मैथ नहीं आती कतई, क्योंकि होता क्या है, जिस चीज को आप मानते हैं वो हकीकत हो जाता है एक दिन। कभी अजमा के देखिएगा, जिस चीज को आप मानते हैं, कुछ भी मानते आते हैं, वो हकीकत हो जाता है। लेकिन आप उसे दिल से मानते हो तब। देखिए हम इसको कैसे आपको बता रहे, जैसे आपने देखा होगा सिंपल सी बात, आपके घर में अब हाथी तो सबके घर में नहीं होगा, लेकिन सबके घर में क्या होगा, आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो वैसे लोग कोई भी ब्रिटिश का नहीं है, सब इंडियन है, तो सभी गांव से बिलोंग करते हैं। आपने देखा होगा गाय भैंस सभी के घर में होते हैं, है ना, तो जब भी उसका नया बछड़ा या नया पढ़िया पड़वा का बोलते हैं भाई, जो भी जन्म लेता है, तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा याद है, मैंने किया भी है, सबसे पहले उसके पैर में, दाहिना पैर में अक्सर ये जो एक मान्यता होती दादी लोग बताती है, पहले गला में नहीं बांधा जाता है, पहले उसके पैर में एक रस्सी बांधा जाता है छोटा सा एकदम हल्का सा, और उसको किसी खूटा खूटी में बांध देते हैं जिससे कि वो मतलब क्या बोलते हैं, भागे ना इधर उधर, गिरे ना, क्योंकि उठता है गिर जाता है, उठता है गिर जाता है ना। फिर क्या होता है, तब वो एकदम छोटा सा होता है, ये आप सभी लोग जानते भी होंगे, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते होंगे इसके बारे में। फिर धीरे धीरे जब वो चलने लगता है तो उसके गले में बांध दिया जाता है एकदम छोटा सा, सुतरी में, डोरी में, किसी भी चीज़ में बांध दिया जाता है हल्का सा, वो रुका रहता है जहाँ भी बैठा रहता है ना। फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और उसको वैसे ही पतली डोरी में बांधा जाता है, बाद में थोड़ा बड़ा होने के बाद थोड़ा और मोटा बना दिया जाता है। लेकिन आप एक एग्जाम्पल के तौर पर पॉजिटिव सोच में सोचिएगा कि एक जो कि जानवर है, चाहे वो बैल है, गाय है, भैंस है, कोई भी जानवर है, जितना मोटा खूंटा या खूंटी में उसको गाड़ करके बांधा जाता है, अक्सर आपने देखा होगा बहुत जगह होता है ऐसा कि उसको तोड़ नहीं सकता, वो चाहे तो उसको एक झटके में उखाड़ दे, लेकिन वो नहीं उखाड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था तभी से उसी में बंध रहा है वो, और वो ऐसे चल रहा है ना, उसको लगता है कि बहुत मजबूत है, जैसे उसके गले में रस्सी पड़ी वैसे वो शांत हो गया, पहले तो बहुत भाग रहा था, कोशिश कर रहा था, है ना। इससे अच्छा एग्जाम्पल आप हाथी का समझ सकते हैं, हाथी को आप देखते हैं इतना ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन फिर भी वो छोटी सी रस्सी है जंजीर में बंधा रहता है, और जहाँ उसका जो पहलवान क्या बोलते हैं जो बैठता है ऊपर, जिधर को मारता हाँकता है उधर को हो जाता है, चिल्लाता भी है मारने पर, लेकिन अगर वो चाहे तो उसको एक बार में उठा के नीचे पटक दे और भाग जाए, ऐसे होता भी जब दिमाग खराब होता है हाथी का तो, लेकिन उस समय वो इस सोच को भूल जाता है कि मैं बंधा हूँ। जब आपने देखा होगा जिसे पागल हाथी बोलते हैं, उस समय वो आज़ाद हो जाता है, वो ये सब बंधन भूल जाता है जब पागल हो जाता है तो, कि मैं बंधा हूँ या मैं मतलब नहीं तोड़ सकता, नहीं कर सकता, जब उसका दिमाग खराब होता है तो वो ऐसा भूल जाता है, वो बिल्कुल आज़ादी में आ जाता है, और फिर देखिए उत्पात मचाना शुरू कर देता है। उसी तरह से आप लोग क्या करते हैं, उसी हाथी या उसी जानवर की तरह आप मान लेते हैं कि मुझे मैथ नहीं आती है, नहीं आती तो नहीं आती, आप कभी उसके आगे बढ़ते ही नहीं, कोशिश नहीं करते। तो आपको इस बात को छोड़ करके आगे बढ़ना है कि आपको आएगी, आप कोशिश करिए, अगर आप कोशिश करेंगे ना तो सेम उसी गाय या भैंस की तरह जैसे वो ट्राई करे तो रस्सी को तोड़ के भाग जाए, उसी तरह से आप ट्राई करें ना तो ये मैथ नहीं आती कि जो रस्सी है ना उसको तोड़कर आप भी आगे निकल सकते हैं। अब आप बुरा मत मानिएगा कि मैं आपको किसी जानवर से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, मतलब जिससे कि आपको आने लगे। हाँ, तो दूसरी बात, उस दिन हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर कुछ लोग देख रहे होंगे मैथ की क्लास में शेर, भालू, बकरी, पेड़ कैसे आ रहा है। एक तो ये तरीका हो गया कि आप मैथ के बारे में सोचते हैं कि मुझे नहीं आती है, आप ट्राई कब करते हैं इस वजह से नहीं आती, पहला कारण हो गया कि आप कोशिश करें, ठीक। दूसरा कारण हो गया क्या, आपको क्यों नहीं आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपका माइंड जो है किसी फिगर या किसी चित्र के बारे में अगर सोचता है तो ज़्यादा जल्दी समझ में आता है,
बाकी वैसे नॉर्मली कम समझ में आता है। अगर आपने सोचा एक शेर, सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में बताया था, ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे इस टॉपिक पे, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि अगर आपने कभी शेर देखा है इसके पहले तो, है ना, इसके पहले अगर आपने देखा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ शेर जैसा होता है, मुँह में बड़ा बड़ा बाल होता है और बड़ी सी पूँछ होती है, पंजा होता है, ये सब आपके माइंड में आएगा। लेकिन अगर आपके माइंड में नहीं आया तो आप इसके बारे में नहीं समझ पाएंगे। उसी तरह से अब आप इसमें समझे भिन्न, फ्रैक्शन। पिछले सवाल में हमने आपको बताया था इसके बारे में, है ना, बहुत अच्छा से। तो आपके माइंड में ये आना चाहिए फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी वस्तु का ये कुछ पार्ट के बारे में बात होती है। जैसे एक बटा दो बोलें, तीन बटा चार बोलें, जैसे कहा जाए तीन तिहाई, आपने सुना होगा तीन तिहाई हिस्सा, एक बटा दो हिस्सा, है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जैसे मानते हैं एक चॉकलेट है, है ना, ये मानते हैं एक बड़ी सी चॉकलेट है और इसमें एक तिहाई हिस्सा आपको लेना है, एक तिहाई हिस्सा। एक तिहाई का मतलब क्या हुआ जानते हैं? एक तिहाई का मतलब इसके तीन टुकड़े करना है, इसके तीन टुकड़े करना है और उसमें से एक हिस्सा आपका होगा। देखिए एक दो तीन, ठीक। अब भाई जो खुद को लेना है उसको बड़ा रखेंगे, है ना, तो देखिए ये तीन तिहाई हो गया ना, अब इसमें का एक हिस्सा आपको लेना है, यानी कि आपको इधर से इसको चुपके से मिटा देना, मतलब ये आपका हिस्सा था, निकल गया, कौन था जो आपने निकाल लिया एक तिहाई में। इसको आप कम अच्छे से समझे होंगे तो इसमें ज़्यादा अच्छा समझ जाएंगे, ये देखिए एक तिहाई इसमें समझ जाएंगे, ज़्यादा हो रहा है इधर साइड, ये लो एक तिहाई, मतलब इसमें से एक हिस्सा। तो आपके माइंड में ये आना चाहिए अगर कोई एक बटा तीन बोल रहा है, जैसे एक बटा तीन धन एक बटा दो, इसका मतलब आप समझ जाइए कि कोई भी वस्तु थी जिसका एक बटा तीन भाग में से जो है एक भाग ये है, और प्लस एक बटा दो का मतलब कोई एक वस्तु है जिसका आधा भाग है, अब उसको जोड़ना है। सिंपल सी बात है, आप सोचिए इसका आधा भाग और इसका एक तिहाई का थोड़ा सा भाग अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? ये तो आधा है पहले से और ये आधे का भी थोड़ा सा कम है, तो जाहिर सी बात है आधा आधा एक होता है, एक से थोड़ा कम होगा जोड़ेंगे तो, है ना। तो इसको अगर आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, पाँच बटा छः हो जाएगा, पाँच बटे छः, मतलब छः में पाँच भाग। लेकिन ये तो आपने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, आज हम बात करते हैं ऊंचाई और दूरी के बारे में। ऊंचाई और दूरी के बारे में अगर आपके माइंड में फिगर नहीं बनता है तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको बोला जाए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करके दिखाना चाहता हूँ, उसे आप ध्यान से देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि आपके काम का नहीं है, आप किसी भी परीक्षा के लिए हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे आपसे एक क्वेश्चन बोल दिया गया कि एक लड़का एक पेड़ की चोटी को देखता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन मैथ का, एक लड़का है एक पेड़ की चोटी को देखता है, तो उसकी आंख और चोटी के बीच, चोटी मतलब पेड़ की चोटी, 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनता है, जो भैया लिख लीजिएगा, एक लड़का एक पेड़ की चोटी को देखता है तो उसकी आंख और चोटी के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। अब ये बताइए कि उस लड़के से पेड़ की दूरी कितनी है, अब हो गया त्रिकोणमिति के ये ऊंचाई दूरी का सवाल। अब आप इसके बारे में कैसे समझेंगे, बहुत से लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा होगा ये बोल क्या रहे भाई, है ना। आपको पहले ये इमेजिन करना है, कल्पना करना है कि एक पेड़ है, आप लोग पेड़ अक्सर देखे होंगे, है ना, उस पेड़ के नीचे अगर आप जाएंगे, चोटी मतलब पेड़ की चुरकी, मतलब एकदम ऊपर का भाग, सिंपल सी बात है कि आप जब उसको देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ऐसे तो करके पेड़ की चोटी नहीं देखेंगे, पेड़ की चोटी मतलब ऊपर को देखना है तो आप ऐसे देखेंगे, है ना। तो आपको यह कल्पना करना है, इमेजिन करना है, आपके माइंड में फिगर आना चाहिए कि एक कोई पेड़ है, एक कोई पेड़ है भाई, जो भी है जैसे भी है एक पेड़ है, है ना, ये मानते हैं कोई पेड़ है, यहाँ पे एक कोई लड़का है, यहाँ पे एक कोई लड़का है,
देख मुझे ज़्यादा कला बनाना तो नहीं आता फिलहाल, कि कोई लड़का है जो कि इस पेड़ की चोटी मतलब यहाँ को देखना चाहता है तो क्या करेगा, ऐसे तो देखेगा ना, ऐसे देखेगा, आपके माइंड में फिगर आना चाहिए कैसे देख रहा है वो। तो हमें क्या निकालना था, उस लड़के से पेड़ की दूरी कितनी है। अब अगर आपके माइंड में ये आ गया कि भाई सिंपल सी बात है ऐसे देखेगा पेड़ के पास जा करके, आपको दूरी निकालना है, इसका मतलब इसको नापना है ना, इसको नापना है, कोण बन रहा है 30 डिग्री का, कहाँ से बन रहा है कोण, उसके आँख से बन रहा है, तो आँख से ही उसका आधार भी मिलाएंगे पेड़ का, दूरी नापेंगे तो वहीं नापेंगे, नहीं कि पैर से नापेंगे, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है, ये 30 डिग्री बन रहा है, इसको 30 लिख लिया आपने, इसकी ऊंचाई जो है पेड़ की कुछ दी गई होगी उसमें, ऐसी स्थिति में अगर नहीं दी गई है तो सवाल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन तब भी आ जाएगा। अब इसमें आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो क्या है, पेड़ की ऊंचाई कुछ दी होनी चाहिए, कुछ दी होगी कि पेड़ की ऊंचाई कुछ मीटर है ना। तो आप क्या करेंगे, ये 30 डिग्री आ गया, इधर कुछ ऊंचाई दी होगी, इसको 100 मान लीजिए, कुछ भी लगा दीजिए फार्मूला, हो गया क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर हम इसका सवाल नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये बता रहा था कि आप इस सवाल को समझेंगे कैसे, कि करना क्या है, मतलब सवाल को करना नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे समझना है कि करना कैसे, ठीक ना। तो उसी तरह से आपके दिमाग में फिगर आएगा त्रिकोणमिति का, अगर पहले कि लड़का कैसे होगा, पेड़ कैसे होगा, देखेगा कहाँ से, वो क्या देखेगा, कैसे दिखेगा, तो आप सवाल करने को सोचेंगे और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, भले आए या ना आए, लेकिन आप ट्राई करेंगे अगर आपके माइंड में इतना फिगर बन गया। लेकिन अगर आपके माइंड में ये सब कुछ बन ही नहीं रहा है, आप ये सोच रहे हैं हाँ ये तो मैथ है, एक पेड़ एक लड़का की बात हो रही है, अब ये पेड़ और लड़का कहाँ दिख रहा है इस कमरे में, तो नहीं आएगा, इसलिए आपका माइंड आगे चलना चाहिए। दूसरा टॉपिक का एक सवाल आता है, जैसे प्रतिशत। अब अगर कोई प्रतिशत का सवाल है, प्रतिशत का सवाल है, जैसे कि कहा जाए 100 का 10%, क्या 100 का 10%, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि आखिर प्रतिशत होता क्या है, आखिर है क्या ये। आपने इंटर की परीक्षा पास कर लिया होगा, 10th की परीक्षा पास कर लिया होगा, या उससे छोटे ही होंगे, तो आपके माइंड में आएगा कि भाई मेरा 10th में इतना परसेंट था, 80% था, किसी का 50% था, किसी का 70% था, कुछ भी था, है ना। तो आप अनुमान लगाएंगे कि कुछ सब्जेक्ट में हमारा कुछ नंबर था, कुछ में कुछ था, ऐसे ऐसे करके परसेंट बना था। आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई ये प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से 1, मतलब 100 में से 1, कहने का मतलब 1 मतलब 1 नहीं, 10% का मतलब ये हुआ कि 100 में से 10 आपको निकालना है, हर एक 100 से 10। तो इस 100 का जो है 10% कितना होगा, 10 होगा। 100 का 20% क्या होगा, 20 होगा। उसी तरह से अगर बोले कि 200 का 10%, अब बताइए 200 का 10% आपके माइंड में फिगर आएगा कि जब 100 का 10% जो है वो 10 होता है, तो 200 का 10% मतलब 2 जगह 10 10 बचेगा, तो सिंपल सी बात है ये हो जाएगा 20। ये परसेंटेज में आपके माइंड में फिगर आएगा। इसके अलावा और भी एग्जांपल हम आपको अगले सेशन में बताएंगे, लेकिन इसमें अभी हम एक महत्वपूर्ण सेशन देखेंगे, लाभ हानि, लाभ और हानि, इसके बारे में कैसे समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, लाभ और हानि के बारे में हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे कि इसमें अगर हम बात करें लाभ और हानि की, तो अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूं तब आपके समझ में आएगा, बिना क्वेश्चन के नहीं समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम कोई सवाल करवाएंगे नहीं, बस हम आपको ये तरीका बताएंगे कि आप चीजों को समझें कैसे। बाकी क्लास आप देख सकते हैं, आपकी क्लास चल रही है, उनमें आप समझिए पढ़िए। ये जो 2-3-4 सेशन आपको दिखाए जाएंगे, इसमें आपको यही बताए जाएंगे कि आप चीजों को समझें कैसे, बस। लाभ और हानि का एक सवाल है, जैसे कि लिखिए, क्वेश्चन है आप लोग समझने के लिए, लिखिए या देखिए, रोहन पट, हाँ ठीक है सही है, रोहन एक साइकिल ₹1800 में खरीद कर ₹2000 में बेचता है,
तो उसे लाभ होगा या हानि होगी? मतलब समझिएगा, ये बहुत आसान है, इस पे मत जाइएगा। जिनको नहीं समझ में आते बहुत से सवाल, वो इसको समझेंगे जो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, इस सवाल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहते हैं कि आप चीज़ों को समझें कैसे। जैसे लाभ हानि का सवाल है कि रोहन एक लड़का है जो कि साइकिल को 1800 रुपये में खरीदा और उसे 2000 रुपये में बेच दिया। अब उसे लाभ होगा या हानि होगी? अब आपके माइंड में एक फिगर आएगा, अगर आपको आता है तो, नहीं आता तो कुछ नहीं आएगा। आपके माइंड में एक फिगर ये आएगा कि साइकिल जो है वो आपने देखा होगा, चलाया भी होगा, है ना? ये सब आना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे चीजों को। जो चीज के बारे में बात हो सवाल के, उसमें आने वाले हर एक शब्द के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप सवाल समझ पाएंगे अच्छी तरह से, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। साइकिल आपने देखा है, एक सीट होती है, दो पैडल होती है, एक चैन होता है, जानते हैं। अब वो 1800 रुपये में खरीद रहा है, कितने में? 1800 में खरीदा और किसी दूसरे को बेच दिया। माइंड में फिगर आएगा, बेच दिया मतलब उसको दिया, उसने उसको पैसा दिया, और कितना दिया? 2000 रुपया दिया, है ना? अब बात हो रही लाभ होगा कि हानि होगी। आप सभी का इतना तो सामान्य तरह से माइंड काम ही करता है कि अगर 1800 रुपया की जगह वो 2000 रुपया पाया, इसका मतलब ज्यादा पाया, और अगर कम में खरीदा था ज्यादा में बेचा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लाभ हुआ होगा उसे, है ना? हुआ होगा। कितने का हुआ होगा? क्योंकि 1800 से 2000 में बेच रहा है, इसका मतलब 200 रुपया का लाभ हुआ होगा, 200 का हुआ ना? यानी ये सवाल आपको आया कैसे, ये समझिए कैसे आया। ये मत सोचिए कि बहुत छोटा सवाल था, मैं यहाँ पे लगवा नहीं रहा हूँ, याद रखिएगा। आपके जो दो चार सेशन चलेंगे कमजोर छात्र गणित कैसे सीखें, उसमें कोई सवाल कराया नहीं जाएगा, बस आपको चीजें समझाई जाएंगी कैसे आप समझें इन चीजों को, ठीक है? याद रखें, हर दिन 0 लेवल मैथ के टाइम पे होगा ये, शाम 7 बजे से, ठीक ना? और हर एक सेशन को देखिएगा, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना होगा, क्योंकि ये सभी सेशन बिल्कुल फ्री होंगे, यूट्यूब पे सभी के लिए उपलब्ध होंगे, इसमें कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करता है, ठीक? और अगर आप रियल में सीखना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिया गया था, आप क्लास ज्वाइन करें, संपूर्ण गारंटी के साथ आपको क्लास सिखाई जाएगी। जो भी मैथ की क्लास होगी आप आसानी से कर पाएंगे, इस पर आप ज्वाइन लिख कर भेजें, हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई किया जाएगा, और आप लोग अपना सहयोग प्रदान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, ये सवाल तो हो गया, इसमें अगर कोई भी सवाल आप ले लीजिए, किसी भी टाइप का आप सवाल ले लीजिए, उसको लगाने से पहले आपके माइंड में एक फिगर आएगा। जैसे देखिए, एक सवाल मैं आपको और दिखाता हूँ, हर एक क्लास में मैं यही बात कर रहा हूँ कि कैसे आएगा, है ना? जैसे देखिए, एक क्वेश्चन जो कि हो सकता है आप लोग अपरिचित हो, लेकिन ये क्लास 10th का सवाल है, साइन स्क्वायर 30 प्लस ये कॉस स्क्वायर 30 और प्लस टेन 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा? इसको देखने के बाद आपके माइंड में खटाखट एक चित्र बन जाएगा, स्ट्रक्चर, अगर आपको आता है इसके बारे में कुछ तो। अगर नहीं आता तो कुछ नहीं बनेगा, बस यही दिखेगा कि साइन काफ लिखा है भाई और कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अगर आपको आता है तो आपके माइंड में खटाखट वो आ जाएगा जिसमें होता था कि साइन 30 का मान कुछ होता है और 45 का मान कुछ होता है, 90 का मान कुछ होता है, ऐसे से आपके दिमाग में सारणी आ जाएगी, खटाखट सारणी खुलती चली जाएगी कि भाई एक सारणी होती है, टेबल होता है, जिसमें से मान को देखा जाता है, यहाँ लाके ढकेल दिया जाता है, हल कर लिया जाता है ना? अगर आपको आता है तो आप सोच लिए होंगे, अगर नहीं आता तो आप बोल रहे होंगे भाई ये 30 होता है, आखिर इसमें करना क्या है भाई, इसमें ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि करना क्या है ना? आपके दिमाग में आ गया कि साइन 30 का मान जो है 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिया और प्लस इसका मान भी आप रखेंगे तो इसका मान कुछ और हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आप देखिए, तो एक सर्वसमिका है बिना किसी मान रखे हुए, एक सर्वसमिका है, वो कौन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, यहाँ पे आप 1 भी रख सकते हैं, प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, यानी टोटल इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। इसका उत्तर क्या होगा? 2 होगा। देखिए, यहाँ बहुत साइन कॉस टेन था ना, इतना बड़ा था, लेकिन ये कितना छोटा में उत्तर आ गया? 2। इसका 2 आंसर होगा, राइट आंसर। लेकिन कब आया? जब आपके माइंड में फिगर बना, स्ट्रक्चर बना कि आखिर इसका मान कुछ होता है, इसका मान कुछ होता है, इसका मान कुछ होता, तब आया ना। इसलिए चीजों को पहले समझा जाता है, समझ गए ना?
कोई कंफ्यूजन हो निसंकोच कमेंट करके बताएं, और आपने पीवीआर स्टडी को सपोर्ट करें जिससे कि जिनको भी मैथ नहीं आती उनको भी आने लगी। हमारी कोशिश होती है कि आपकी सभी क्लास चैनल पर आपको बिल्कुल मुफ्त मिले, बिल्कुल फ्री का मिले, कुछ भी आपको ना पेमेंट करना पड़े, क्योंकि पेमेंट करने में बहुत सारे कष्ट होते हैं आपको, वो मुझे मालूम है। लेकिन चीजों को अगर आप समझ रहे हैं तो आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि आप जानते हैं आपके पीवीआर स्टडी में जो है वो 8 से 10 मेंबर वर्क करते हैं, जो कि आपको सभी नहीं दिखते होंगे, है ना, नहीं दिखते ना, जो कि मैं सभी को दिखाना भी नहीं चाहता हूँ। आप देखते होंगे अक्सर हर एक क्लास में हम ही आपके सामने आते हैं, लेकिन ये सामने तो मैं आता हूँ, इसके पीछे से कितने लोग रहते हैं आपको नहीं मालूम होगा। तो ये जो 70,000-80,000 लोग जुड़े हैं, इन सभी की सपोर्ट के लिए काफ़ी लोग हमारे साथ कार्य करते हैं, और इनको अगर कार्य करते हैं तो आप सोचिए उनकी भी ज़िंदगी है, उनके भी सपने हैं, उनके भी अपने भी हैं, सपने भी हैं अपने भी हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए और उन अपनों को खुश करने के लिए उनको भी कुछ चाहिए, और इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे जब 500 रुपये का पे करेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपकी क्लास की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, जो उपकरण डिवाइस ख़राब होते हैं आते हैं वो भी लाए जाएंगे, आपका क्लास चलेगा। आप जानते हैं वाईफाई लैंडलाइन का बिल दिया जाता है जो कि आपके हज़ारों में आता है, मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ। तो बाकी बहुत से खर्चे होते हैं यहाँ पे, जोड़ने बताने से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात ये है सीधी सीधी कि आप लोग अगर क्लास करना चाहते हैं तो आप अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 500 रुपये आपको पे करना होगा। आप जीरो लेवल की कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं, जीरो लेवल नाम होता है, बाकी काम बहुत बड़ा होता है। जैसे आपने देखा होगा एक जीरो लेवल का बल्ब बोलते हैं ना, मैंने एक दिन आपको शायद दिखाया था इसको क्लास में, और मैं आज फिर इसको दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये सिंपल सी बात है, मैं इसको यहीं पर रखे रहता हूँ, जलता है रात में ये, तो ये छोटा सा बल्ब है ना, इसे बोलते हैं जीरो लेवल। आपने बहुत जगह जीरो लेवल याद आ रहा है, जीरो वाट है ना, बट ये जीरो वाट नहीं होता है, क्योंकि जीरो वाट का मतलब तो कुछ होता ही नहीं, इसका मतलब ये जलेगा नहीं, जीरो वाट होगा तो ये 0.5 वाट का होता है, मतलब आधा वाट का होता है। देखिए इसमें लिखा भी है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर दिख रहा हो ऐसे दिखेगा नहीं, बहुत हल्का दिख रहा है। तो उसी तरह से जो मैथ की क्लास होती है ना, ये जीरो लेवल बोला जाता है, जीरो लेवल नहीं होती है, ये होती है क्लास 1 से लेकर के क्लास 8-9 तक की मैथ, ठीक है। इसमें आप सब कुछ समझ जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तो उसी तरह से जैसे आपको एक बहुत बड़ा मकान बनाना है, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप मकान बना सकते हैं, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए आपकी क्लास जो है टोटल वो फ्री होंगी, आल लाइव एंड आल सेशन सब कुछ फ्री होंगे। अगर आप कंप्लीट और हर दिन सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आपको ओनली ज्वाइनिंग चार्ज 500 का पे करना होगा, क्लास का कोई भी शुल्क नहीं होगा, और ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमने बहुत सारे तरीके सुझाए हुए हैं कि ऑनलाइन में आप किसी भी माध्यम से ही पेमेंट कर सकते हैं, चाहे जो भी माध्यम आपके पास हो, फोन पे, गूगल पे, या फिर ट्रांसफ़र वगैरह कुछ भी आप कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप का है, टेलीग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, कहीं भी आप इस नंबर को सर्च कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फोन पे के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट इस पर भेज सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, समझ गए ना। और हाँ, अगर आपको ज्वाइनिंग से संबंधित कोई सवाल जवाब करना है, क्या मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा, तो आप इन नंबरों पर कॉल करें, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो हमारी टीम के सदस्य के द्वारा कोई भी आपको रिप्लाई करता है, वो आपको शुरू में सबसे पहले 50 क्लास दिखाता है, मतलब 50 क्लास इकट्ठा भेज दिया जाता है। बाद में एक क्लास हर दिन होती है नई, वो आपको दी जाती है, प्लस पीडीएफ फाइल, ऑनलाइन लाइव टेस्ट, कोई भी क्लास कब हो रही है, कब लेट हो रही, लपेट हो रही, नहीं हो रही, सारी इन्फॉर्मेशन उनको दिया जाता है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई सवाल नहीं आता आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं, वो भी हल किया जाता है। कभी कभी कुछ ज़्यादा बिजी होने की स्थिति में हो सकता है आपका सवाल थोड़ा देर में हल किया जाए, लेकिन किया जरूर जाता है। तो ये सारी बातें थी आज के लिए, बस इतना ही। कमजोर छात्र गणित कैसे सीखें, इसका एक दो सेशन हम आपको और दिखाएंगे, उसे जरूर देखिएगा, कुछ और भी विशेष तैयारी के साथ होगा वो सेशन। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, कृपया इस क्लास को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करिएगा। अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती तो बिल्कुल मत घबराना, बस पीवीआर स्टडी लगाना और धड़ाधड़ चलते जाना। इन्हीं बातों के साथ फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में, चलते चलते याद रखिएगा, ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होता है, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होता मेरे बाबू, अपने हिस्से का दिया आपको खुद जलाना होता है। जी बिल्कुल, अगर आपको मैथ नहीं आती तो कोसने से कुछ नहीं होने वाला है, बस आपको ट्राई करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।